आपका स्वागत है। मशहूर सिंगर और रैपर योयो हनी सिंह उर्फ हृदेश सिंह की निजी जिंदगी में कोहराम मचा हुआ है। उनकी पत्नी शालिनी तलवार ने पति पर घरेलू हिंसा का सनसनीखेज आरोप लगाया है। शालिनी ने दिल्ली के 30,000 कोर्ट में केस दर्ज करवाया है। सिंगर पति और ससुराल वालों के खिलाफ शालिनी ने यौन हिंसा, मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न, आर्थिक उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। दोनों की शादी को 10 साल हो गए हैं। शालिनी आज भले ही हनी सिंह के खिलाफ कोर्ट के दरवाजे पर खड़ी हैं, लेकिन उनकी निजी जिंदगी में एक जुड़ा किस्सा यह भी है कि पत्नी ने सार्वजनिक तौर पर हनी सिंह का बचाव किया था। तब ऐसी चर्चाएं थी कि शाहरुख खान ने एक शो के दौरान हनी सिंह को थप्पड़ मारा था। साल 2014 में हनी सिंह इंडियाज रॉ स्टार शो को होस्ट कर रहे थे, लेकिन इसके बाद वे अचानक से इंडस्ट्री से गायब हो गए। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि हनी सिंह नशे की लत के शिकार हो गए हैं और रिहेब सेंटर में हैं। इसी शो में पहली बार हनी सिंह की पत्नी शालिनी तलवार भी नजर आई थी। बाद में शालिनी ने सार्वजनिक तौर पर पति का बचाव भी किया कि क्या ये सच है कि शाहरुख खान ने स्लैम टूर के दौरान हनी सिंह को थप्पड़ मारा था। इस पर शालिनी ने कहा, वह भला उन्हें थप्पड़ क्यों मारेंगे, ये सब कहीं सुनी बातें हैं। शाहरुख भाई की काफी इज्जत करते हैं, भाई भी हनी को छोटे भाई की तरह प्यार करते हैं, बल्कि सच तो ये है कि शाहरुख भाई ने हमारी बहुत मदद की है। डॉक्टर्स ने हनी से कहा कि वे अभी देश से बाहर ट्रेवल ना करें, लेकिन क्योंकि उन्होंने शाहरुख खान से वादा किया था इसीलिए वह स्लैम टूर के लिए गए। शालिनी ने आगे कहा कि टूर पर हनी ब्लड प्रेशर की दवाइयों के साथ हैवी डोज पर थे। रिहर्सल के दौरान वह गिर गए थे और उन्हें पीठ पर और सिर पर चोट आई थी, इसीलिए उन्हें टूर वापस छोड़कर लौटना पड़ा। इसीलिए शाहरुख भाई के थप्पड़ मारने वाली बात सिर्फ अफवाह है। शालिनी तलवार और हनी सिंह ने 20 साल डेटिंग के बाद 2011 में शादी की थी। अब शादी के 10 साल बाद पत्नी ने उन पर मुकदमा ठोका है। कोर्ट के मामले में हनी सिंह ने जवाब मांगा है। 3 अगस्त को 30,000 कोर्ट की चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट तानिया सिंह के समक्ष शालिनी ने अपनी याचिका दी है। इसमें हनी सिंह और उनके परिवार के खिलाफ प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉड डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत शिकायत दी गई है। फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अपनी याचिका में शालिनी ने हनी सिंह पर कई बार शारीरिक और मानसिक हिंसा के आरोप लगाए हैं। शालिनी ने दावा किया है कि हनी सिंह ने उनसे कई बार मारपीट की और उन्हें गालियां दी हैं। शालिनी ने यह भी कहा कि जब हनी सिंह का करियर चमकने लगा तभी से यह पत्नी के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं। यही नहीं, शालिनी का आरोप है कि हनी सिंह के कई लड़कियों के साथ अवैध संबंध भी हैं। उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि हनी सिंह ने जानबूझकर सबसे अपनी शादी की बात छिपाई। उन्होंने शादी के बाद कई महिलाओं के साथ सेक्स संबंध बनाए। जब इस बारे में उनकी हनी सिंह से बात हुई तो सिंगर ने उनके ऊपर बोलकर फेंककर मारने की कोशिश की थी। कोर्ट ने हनी सिंह उर्फ हृदेश सिंह को 28 अगस्त तक अपना जवाब दाखिल करने का वक्त दिया है। तो गाइस, क्या कहना है आपको हनी सिंह उर्फ हृदेश सिंह के लिए, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना न भूलें। और देखते रहिए बिग स्क्रीन।